हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार सिंह और सोनिक इंटरनेशनल रायपुर से। तो हम लोगों ने यहाँ पर नट्टी में एक स्विंग गेट का ऑटोमेशन किया हुआ है। तो मैं आपको गेट के ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा कि आप गेट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप गेट को 3 टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं। पहला एज ए रिमोट, सेकेंड एज ए मोबाइल एंड थर्ड इज आप मैनुअल पुश बटन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा पास में आएंगे। मैं आपको बेसिकली मोटर बता देता हूँ। दोनों मोटर जो हैं वो एसी पे ऑपरेट करते हैं। तो एक राइट साइड लगा हुआ है मोटर, एक लेफ्ट साइड लगा हुआ है। थोड़ा अलाइनमेंट का भी मैं इसमें आपको बताऊँगा। क्या है कि फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले गेट देखना है कि गेट का अलाइनमेंट सही है कि नहीं। यदि गेट का अलाइनमेंट सही रहता है तो आप जब भी स्विंग गेट का इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो मोटर और गेट दोनों एक साथ पैरेलल में हो। ये चीज़ जो है इसका गैप वो पैरेलल में हो और जो मोटर हो ये आपका 90 डिग्री पे हो। तो उसमें ये रहेगा कि जो आपका गेट का मोटर का इंस्टॉलेशन होगा वो परफेक्ट होगा और ओपन और क्लोज वो एकदम स्मूथली होगा। और थर्ड इज ये मेरा कंट्रोल बॉक्स जहाँ पर पूरे ऑपरेशन जो हो रहे हैं यहाँ से ही हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी रिमोट के थ्रू ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। अभी क्या है, गेट क्लोज है प्रॉपर, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ एज ए रिमोट। बैग मत ला। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो गेट क्या है इस समय ओपन हो रहा है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कितना स्मूथली ये ओपन हो रहा है। तो जब आप अलाइनमेंट का ध्यान देंगे ना, उसको दोनों गेट और मोटर जो होने चाहिए पैरेलल होने चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, और वो मोटर जो होना चाहिए वो 90 डिग्री पर होने चाहिए। आप 120 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा गेट का अलाइनमेंट कैसा है, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे गेट प्रॉपर ओपन हो चुका है। सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो मैंने ओपन किया है रिमोट के थ्रू, अभी आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ एज ए एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर गेट मोटर लिख करके लिखा होगा, स्विचेस हैं। तो मैं इसको अभी क्लोज करके दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप गेट क्लोज हो रहा है। और इसी तरह आप मैनुअल पुश बटन जो होता है आप उसी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे चीज़ें इसमें ध्यान ही देने वाली बात है, क्या आपने स्लाइड गेट किया होगा और तो उसमें उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। स्विंग गेट में ज़्यादा परेशानी होती है कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहता है कि अलाइनमेंट हम लोग सही नहीं कर पाते, तो इसके वजह से सब थोड़ा परेशानियां आती हैं। और आप देख रहे होंगे गेट जो है प्रॉपर क्लोज हो चुका है। तो थैंक यू गाइस, यदि कोई चाहता है कि हम अपने गेट को भी ऑटोमेशन कराए, स्विंग गेट है उनका ऑटोमेशन कराना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और मेरा जो एड्रेस है वो अटलांटिक पार्क रायपुर छत्तीसगढ़।